वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर आपको उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो इन दिनों गॉसिप का कारण बनी होती हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इन दिनों एक ही खबर है जो काफी ज्यादा गॉसिप का कारण बनी हुई है और वो है नए लव बर्ड्स की एंट्री। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नए लव बर्ड्स कौन है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं आलिया और रणबीर कपूर को लेकर। काफी दिनों से ये खबरें हैं कि आलिया और रणबीर रिलेशनशिप में हैं। कई बारी देखा भी जा रहा है कि ये दोनों हर फंक्शन में हर इवेंट में एक दूजे के हाथ में हाथ डाले दिखाई देते हैं, मगर जब भी इन दोनों से पूछो कि क्या कुछ ऐसा है तब ये मीडिया को ही घुमा देते हैं या फिर यूं कहे कि कुछ ऐसा कह देते हैं कि पूरी बात ही चेंज हो जाती है। मगर हाल ही में जहां ये दोनों ही अपने रिश्ते को स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं तो वहीं मानो बॉलीवुड की चुलबुली गर्ल यानी आलिया भट्ट जो है अपने रिश्ते को लेकर खुल के बोलती दिखाई दी। आखिरकार आलिया ने क्या कुछ कहा है आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ आलिया बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बेहद ही कम टाइम में अपना बॉलीवुड में एक अलग ही नाम बनाया और एक अलग ही पहचान भी। भट्ट फैमिली से होने के बावजूद भी आलिया ने स्ट्रगल तो किया ही मगर साथ ही साथ तमाम ऊंचाइयों को भी हासिल किया। इन दिनों रणबीर और आलिया फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ भी दिख रहे हैं तो हो सकता है कहीं कह रहे थे कि ये फिल्म के लिए उनका प्रमोशनल स्टंट है, मगर हाल ही में जब आप आलिया का स्टेटमेंट सुनेंगे तब आपको यूं ही लगेगा कि जो अफवाहें आ रही थी वो यकीनन सच ही हैं। क्या कुछ आलिया ने कहा आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में हमेशा से अपने चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाने वाली आलिया भट्ट जो इन दिनों काफी ज्यादा ही अपने अफेयर्स की खबरों को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरती हुई भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, साथ ही साथ तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं कि आलिया और रणबीर जो है वो रिलेशनशिप में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान से ही ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अफवाहों की खबरों पर इन दोनों ने कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। अब ऐसा लगता है कि आलिया अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। तभी तो हाल ही में आलिया ने एक इंटरव्यू दिया है जिस इंटरव्यू में आलिया ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे यकीनन जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आलिया और रणबीर अक्सर ही एक दूसरे के साथ दिखाई भी देते हैं। कभी दोनों को एक ही कार में देखा जाता है तो कभी ये दोनों डिनर पर साथ जाते हुए भी दिखाई देते हैं। इन सभी की अफवाहें जो है वो अब तेजी से गर्म भी होती दिखाई दी। दरअसल हाल ही में आलिया भट्ट ने जो इंटरव्यू दिया है एक ऐसी बात कह दी है जिसे जान के हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उन्होंने अपनी डेटिंग को लेकर चौंकाने वाली चीज कही है। दरअसल आलिया से पूछा गया था कि क्या वो सिंगल है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। आलिया का ये जवाब इस बात को साबित कर गया कि वो किसी को डेट कर रहे हैं, मगर ऐसे में उनका नाम जिसके साथ जुड़ रहा है वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा हॉट बैचलर कहलाए जाते हैं जिनका नाम है रणबीर कपूर। साथ ही साथ आपको बता दें कि आलिया ने पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो 30 साल की हो जाएंगी तब वो शादी करेंगी। दरअसल तमाम बारी देखा भी जाता है कि आलिया और रणबीर जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। अब भाई जहां इनडायरेक्ट आलिया ये स्वीकार चुकी हैं कि भाई वो किसी को डेट कर रही हैं तो हम तो यही कहेंगे कि रणबीर आप भी अब बेहद जल्द आलिया का नाम ले लीजिए, क्योंकि आलिया और रणबीर जहां इन दिनों आया मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं तो वहीं इसी बीच आलिया ने इंस्टाग्राम पर रणबीर के फेवरेट नंबर वाली जर्सी पहने हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर को भी शेयर किया। आलिया और रणबीर के अफेयर की खबरें उस वक्त से ज्यादा आने लगी जब इन दोनों को सोनम और आनंद की रिसेप्शन पार्टी में एक दूसरे के साथ देखा गया था। बता दें आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया रणबीर के अलावा अमिताभ बच्चन
और मौनी रॉय भी हैं। फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया में हो रही है, जहां से कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आलिया को बीते दिनों रणबीर के परिवार के साथ डिनर डेट पर भी देखा गया था। इसके साथ ही नीतू कपूर आलिया की तस्वीर पर तमाम बारी कमेंट्स करती भी दिखी हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि भाई कपूर परिवार यानी रणबीर की मम्मी को आलिया भाई पसंद है। मगर वहीं जहां इंतजार है कि ये दोनों कब आएंगे सबके सामने और अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे, कहेंगे कि हाँ हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, वक्त पता नहीं कब आएगा। मगर ऐसे में जहां इनके गुपचुप तरीके का रोमांस चल रहा है, उसे वाकई ही फैंस भी काफी ज्यादा पसंद करते दिखाई दे रहे हैं। जहां भी इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन देखी जाएगी तो उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के मारेगी। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बॉलीवुड गॉसिप में जहां हमने बात की आलिया और रणबीर को लेकर। यूं तो आलिया और रणबीर दोनों ही बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो अपने काम में बेहद ही ज्यादा बेहतर तरीके से उसे करते हैं। अगर रणबीर कपूर की बात की जाए, रणबीर कपूर का नाम यूं तो बॉलीवुड में तमाम एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है, मगर अगर उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो हाल ही में फिल्म संजू में जिस तरह से रणबीर कपूर ने शानदार एक्टिंग की है वो यकीनन ही तारीफ के काबिल है। और साथ ही साथ आलिया भट्ट की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है। आलिया अपने चुलबुले अंदाज से जब भी कोई जवाब देती है या फिर कुछ एक्ट करती है, अपने आप ही वो दिल में बस जाता है। मगर आपने देखा कि आखिरकार आलिया ने क्या कुछ कहा अपने रिलेशन को लेकर। दरअसल आलिया से जब ये पूछा गया कि क्या वो सिंगल है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आलिया ने फौरन ही यहाँ पे कह दिया कि मैं सिंगल नहीं हूँ। मानो कहीं ना कहीं जो अफवाहें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जो इन दोनों को साथ देखा जा रहा है, उस पे आलिया मोहर लगा चुकी है कि हाँ जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच है, भाई मैं तो सिंगल नहीं हूँ। बस अब इंतजार है तो इन दोनों की ऑफिशियली अनाउंसमेंट का। दरअसल रणबीर कपूर की जो फैमिली है, नीतू कपूर जो हैं, वो आलिया को लेकर काफी ज्यादा पसंद करती भी उनको दिखाई दे रही हैं। देखा गया है कि एक बार ये कमेंट सेक्शन में कुछ आलिया ने कमेंट किया था तो नीतू ने उन्हें हार्ट शेप कुछ भेजा, जिसके बाद ये प्रूफ हो गया कि भाई रणबीर की फैमिली आलिया को पसंद करती है। कई बारी दोनों को डिनर डेट पे साथ देखा जाता है, मूवी डेट पे साथ देखा जाता है, फैमिली डिनर में भी आलिया रणबीर के साथ दिखती है। अब ऐसे में जहां आलिया ने बोल ही दिया है कि वो सिंगल नहीं है, तो अब इंतजार है कि कब ये प्यार के पंछी खुल के आके अपने रिश्ते के बारे में सबके सामने बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।